द क्वेश्चन इज व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, या क्या रीजन है डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोप करने का। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड दिस इंडिकेट्स दैट मोर क्वांटिटी विल बी परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू अ फॉल इन प्राइस, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पर ये इनवर्स रिलेशनशिप है क्यों, क्या रीजन है कि डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है डिमांड कर्व की। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके हम उनको समझते हैं। द फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था, लॉ ऑफ डीएमयू ही एक सबसे बड़ा कारण है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। एज द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग टू अ कंज्यूमर। जैसे जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट या कमोडिटी को कंज्यूम ज्यादा करता है, विद एवरी एडिशनल कंजम्पशन द यूटिलिटी दैट ही डिराइव्स फ्रॉम दैट प्रोडक्ट विल गो ऑन डिमिनिशिंग। ऐसा हमको लॉ ऑफ डीएमयू ने समझाया था। डिमांड डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी टू अ कंज्यूमर। और कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को इसलिए डिमांड करता है बिकॉज उस प्रोडक्ट के अंदर उसके लिए यूटिलिटी होती है, वो किसी नीड किसी जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता है प्रोडक्ट, इसीलिए उस कमोडिटी उस प्रोडक्ट उस गुड को कंज्यूमर खरीदता है। विच मीन्स दैट इफ ही गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन, मीन्स इफ ही गेट्स मोर यूटिलिटी ही विल पे मोर प्राइस। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा और सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी तो मैं ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। पर इफ द प्रोडक्ट गिव्स लेसर यूटिलिटी देन वाई विल आई पे अ हायर प्राइस, आई विल बाय इट व्हेन द प्राइस लोअर्स। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम एक एक करके कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे को सेटिस्फैक्शन का लेवल कम होता जा रहा है। अब क्योंकि वो कमोडिटी मुझे कम सेटिस्फैक्शन दे रही है तो मैं उसके ज्यादा पैसे क्यों दूंगा। अगर कोई प्रोडक्ट मुझे कम सेटिस्फाई करेगा कम यूटिलिटी देगा मैं उसके ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं हूंगा। विच मीन्स कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगी यूटिलिटी डिक्रीज होगी और वैसे वैसे मैं उसके कम पैसे देने को तैयार हो जाऊंगा। पर आई विल इन एनी केस नॉट पे अ हायर प्राइस व्हेन दैट कमोडिटी इज गिविंग मी लेसर यूटिलिटी। दिस इज द बिगेस्ट रीजन, और द लॉ ऑफ डीएमयू इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोप करता है। सिंस एडिशनल यूनिट्स गिव हिम लेसर यूटिलिटी ही विल बाय एडिशनल यूनिट्स ओनली एट अ लोअर प्राइस। हेंस द कंज्यूमर इज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी एट द सेम प्राइस। इसका मतलब ये है कि मैं ज्यादा यूनिट्स सेम कमोडिटी के सेम प्राइस पर नहीं खरीदने को तैयार, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट मुझे कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। एंड दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड विच स्टेट्स दैट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर एट अ लोअर प्राइस एंड लेस एट अ हायर प्राइस। तो आपको सबसे बड़ा रीजन मिल गया कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। नाउ देयर इज अनदर रीजन ऑफ डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड, दैट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को समझते हैं। कहता है अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रियल इनकम कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बदल जाता है तो जो कंज्यूमर के पास इनकम होती है उस इनकम की वर्थ चेंज हो जाती है, यानी कि द रियल इनकम और द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी और द इनकम दैट द कंज्यूमर हैज विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंज्यूमर के पास जो इनकम है या जो पैसा है उसके हाथ में वो 100 रुपए है, एंड ही वॉन्ट्स टू बाय अ प्रोडक्ट गुड एक्स द प्राइस ऑफ विच इज 10 रुपीज पर यूनिट।
तो आज की सिचुएशन ऐसी है कि कंज्यूमर के पास 100 रुपए हैं, वो एक गुड एक्स खरीदना चाहता है जिसका प्राइस 10 रुपए प्रति यूनिट है। अब कितने यूनिट्स वो खरीद सकता है? तो आप बोलोगे सर 100 रुपए में अगर 10 रुपए वाला प्रोडक्ट खरीदना है तो हम मैक्सिमम 10 यूनिट्स खरीद सकते हैं। सो व्हाट विल बी द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स बाय अ कंज्यूमर When he has 100 rupees and the price is 10 rupees, that is 10 units. अब मान लो the price of that product reduces. मान लो price change होके 8 रुपए per unit पर आ जाता है। अगर price reduce हो जाता है तो consumer अपनी same income से कितने यूनिट्स खरीद पाएगा? तो अब उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो बदल जाएगी। वो कहेगा अब मेरे पास 100 रुपए हैं और प्रोडक्ट 8 रुपए का है, तो इसका मतलब 12.5 यूनिट्स द कंज्यूमर कैन बाय। तो हुआ क्या, क्या उसकी इनकम बदल गई? नहीं, इनकम तो पहले भी उसके पास 100 रुपए ही थी और अब भी उसके पास 100 रुपए ही है। बदला क्या है? बदला है कि पहले प्राइस 10 रुपए था यूनिट का और अब प्राइस 8 रुपए है। सो विद अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। तो आपने ये देखा कि पहले जो 100 रुपए थे कंज्यूमर के पास वो 10 यूनिट खरीदने की वर्थ रखते थे, पर जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज करता है वही 100 रुपए अब ज्यादा यूनिट खरीदने के लिए वर्थ रखते हैं। सो व्हाट हैज चेंज्ड इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस और फॉल इन द प्राइस द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। जो हाथ में कंज्यूमर के पास पैसे होते हैं उसकी रियल वर्थ, परचेजिंग पावर, बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ऑपोजिट होगा अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए। सो इफ द प्राइस इंक्रीजेस द रियल इनकम विल फॉल एंड एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर विल बी इन अ पोजिशन टू बाय लेस ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट बोलते हैं। सो एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल लीड टू चेंज इन द रियल इनकम और परचेजिंग पावर और बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर ऑल्दो हिज मनी इनकम डज नॉट चेंज। उसके पास तो पैसे पहले भी 100 रुपए थे, अब भी 100 रुपए हैं। बदला क्या है? उस 100 रुपए में उस प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता बदल गई है। ठीक है, नाउ विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द रियल इनकम इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन द इनकम द कंज्यूमर टेंड्स टू डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एंड देयरफॉर द डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपैंड। तो हमने ये देखा कि प्राइस के गिरने पर डिमांड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इनकम इफेक्ट। अनदर रीजन फॉर डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर लगेगा, और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं ये हमने समझा था पिछली क्लास में। एक्स और वाई अगर एक दूसरे के बदले काम में आ सकते हैं किसी भी कंज्यूमर की किसी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगे। कोलगेट, पेप्सोडेंट, टी, कॉफी, पेन, पेंसिल, ठीक है, पेप्सी, कोका कोला, ये सभी क्या हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर विल डू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी और अनदर कमोडिटी। कंज्यूमर क्या करेगा? जो एक्सपेंसिव गुड है उसको बदल देगा चीपर गुड के साथ। कंज्यूमर या आप ऐसा ही करते हो, हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि कम पैसों में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमको मिल सके। सो व्हाट वी विल डू इज इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड वाई इज चीपर, सो आई एज अ कंज्यूमर विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट एक्स विद Y। तो मैं Y खरीदना स्टार्ट कर दूंगा X को कम करके। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी X फॉल्स इट बिकम्स चीपर, रिलेटिवली चीपर इन रिलेशन टू कमोडिटी Y जिसका प्राइस हैज रिमेंड सेम एज बिफोर। तो X और Y में अगर X का प्राइस गिर जाता है तो वो सस्ता नजर आता है कंज्यूमर को Y के कंपैरिजन में। Y का प्राइस चेंज नहीं हुआ है पर X अब सस्ता लगता है इन कंपैरिजन टू Y, और क्योंकि X वही काम कर सकता है जो Y कर सकता है मेरे लिए बिकॉज बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, सो आई विल मूव टू अ चीपर गुड X
एंड वॉट आई विल डू इज आई विल सब्स्टिट्यूट माई डिमांड फॉर वाई विद एक्स. तो देयर फोर कमोडिटी एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर कमोडिटी वाई. एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट विद फॉल इन द प्राइस ऑफ टी. It will be substituted in place of coffee and thus the demand increases due to substitution effect. Now you've understood that substitution effect is based on the concept of relative prices of substitute goods. So humne abhi tak teen main reasons padh liye aur yahi main reasons hain jiske karan demand curve downward slope karta hai. First is the law of DMU, second is the income effect, third is the substitution effect. Now if income effect and substitution effect is combined, अगर हम income effect और substitution effect को जोड़ कर पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं price effect. So it must be noted that the combined effect of income and substitution effect is called price effect. तो price effect कोई नया effect नहीं है, price effect income effect और substitution effect का मिश्रण है, combination है, mix है, ठीक है. एक और रीजन है जिसके कारण डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है एंड दैट इज द साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप. साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप का मतलब है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, जब किसी सामान की कीमत गिर जाती है, वो सामान सस्ता हो जाता है, इट विल अट्रैक्ट न्यू बायर्स हु कैन नाउ अफोर्ड टू बाय इट एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड विल इंक्रीज. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक आईफोन मान लो 1 लाख रुपीज का है और 1 लाख रुपए का आईफोन बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. चाहे मेरा मन है, चाहे मेरी इच्छा है, चाहे मेरी डिजायर है कि मैं उस आईफोन को ओन करूं, खरीदूं, पर बिकॉज इट इज हाईली प्राइस्ड या उसका प्राइस बहुत हाई है और मेरी हैसियत के बाहर है, तो इट मे बी दैट आई विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट एट 1 लाख रुपीज. पर लेट्स से उसका प्राइस, आईफोन का प्राइस घटकर 80,000 रुपीज पर आ जाता है, जो कि नेचुरल है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यू मॉडल्स आते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है एंड उसके कारण प्राइसेस गिरते हैं. तो जब प्राइस 80,000 पर आ जाएगा तो शायद अब वो मेरी हैसियत में आ जाए. नाउ आई मे बी इन अ पोजिशन टू अफोर्ड दैट आईफोन एंड एज अ रिजल्ट आई विल जंप टू बाय दैट प्रोडक्ट. और जैसे मैं अब तैयार हूं उस आईफोन को खरीदने के लिए, ऐसे मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग जो 1 लाख रुपए पे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज जब प्राइस 80,000 पे आ गया, अब अफोर्ड कर सकते होंगे. सो एज अ रिजल्ट द प्राइस फॉल्स, न्यू कंज्यूमर्स विल बी एडेड इन द मार्केट, न्यू बायर्स विल गेट अट्रैक्टेड बिकॉज अब वो उसको अफोर्ड कर सकते होंगे. और शायद अभी भी 80,000 पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी भी सिर्फ सपना ही देख रहे होंगे उसको पाने का, क्योंकि अभी भी वो प्रोडक्ट महंगा है. तो लेट्स से वो प्रोडक्ट और एक आधे महीने के बाद 50,000 रुपीज पर आ जाता है. नाउ 50,000 रुपीज पे जब वो आ जाएगा तो बहुत सारे कंज्यूमर जो 80,000 पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, शायद 50,000 पे अफोर्ड कर सकते हो. सो दे विल नाउ गेट अट्रैक्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट. सो एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप और द मार्केट इंक्रीजेस एंड विद दैट द डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस फॉल्स. एक और रीजन हम ले सकते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, वो इसलिए करता है बिकॉज हर किसी प्रोडक्ट का अल्टरनेट यूज होता है, डिफरेंट यूज होता है. सो अ गुड मे हैव सेवरल यूजेस. फॉर एग्जांपल मिल्क, दूध को हम बहुत सारे काम करने में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, दही बनाने के, चीज बनाने के, बटर बनाने के, मिल्क शेक बनाने के, कॉफी बनाने के, टी बनाने के, बहुत सारे तरह से हम मिल्क का यूज करते हैं. नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन द प्राइस ऑफ दैट मिल्क रिड्यूसेस. अगर दूध सस्ता हो जाएगा तो हम हर वो काम करेंगे जिस काम में हम मिल्क को यूज कर सकते हैं. हम दही भी बनाएंगे, हम चीज भी बनाएंगे, हम बटर भी बनाएंगे, हम मिल्क शेक भी पियेंगे, चाय भी पियेंगे, हम दूध ज्यादा भी पियेंगे. सो जैसे जैसे प्राइस घटता जाएगा हम उसके अल्टरनेट यूज करते जाएंगे. अब आप देख रहे हो कि जब मिल्क का प्राइस घट रहा है तो उसके बहुत सारे अल्टरनेट यूज किए जा रहे होंगे, हम हर चीज में उसको काम में लगा देंगे. लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जब दूध का प्राइस बढ़ता रहे, अगर दूध महंगा होता रहेगा तो कंज्यूमर हर काम में दूध को यूज नहीं करेगा, यानी कि वो शायद अब मिल्क को एज अ मिल्क
ही पीने के काम में लगाए या ज्यादा से ज्यादा उसकी चाय बना के पी सकता है, पर अब वो दही जमाना बंद कर देगा, बटर बनाना कम कर देगा, चीज बनाना कम कर देगा, मिल्क शेक पीना कम कर देगा। तो एज एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द कंज्यूमर कट्स डाउन द डिफरेंट यूसेज ऑफ दैट प्रोडक्ट और वो सिर्फ सिर्फ उसके मेन पर्पस में ही फोकस करेगा। सो इफ अ गुड हैज डिफरेंट यूजेस देन विद फॉल इन प्राइस ऑल द डिफरेंट यूजेस विल बी पुट टू यूज एंड उसके कारण डिमांड इंक्रीज करती है और जब प्राइस इंक्रीज कर जाएगा तो वो सारे जो डिफरेंट यूजेस हैं वो कट डाउन कर दिए जाते हैं और मेन यूज पे ही फोकस किया जाता है एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड विल श्रिंक। सो दीज आर सर्टन पॉइंट्स विच आर टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन टू अंडरस्टैंड वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। एक बार फिर से लॉ ऑफ डीएमयू, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप एक्सपैंड्स when the price falls and last one is the different uses of a product. So these are the reasons jo humne abhi detail mein seekh liye.